वैसे तो ये जो व्लॉग है ना, मैं मार्च के स्टार्टिंग में डालने वाली थी, लेकिन जिस वजह से, जिस मोटिव से मैंने ये व्लॉग बनाया था ना, वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब व्लॉग तो बन चुका था और पता भी नहीं था कि वो मोटिव कब पूरा होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपलोड कर दिया जाए, रिलीज़ कर दिया जाए। तो आज हम चलने वाले हैं मुरादाबाद के एक ऐसे मार्केट में जो दिल्ली के सरोजनी मार्केट से कम नहीं है। जैसे सरोजनी मार्केट में सब कुछ सस्ता मिलता है ना, वैसे ही मुरादाबाद का भी एक मार्केट है जहाँ पर काफ़ी कुछ सस्ता मिल जाता है, बस अपने छांटने वाली बात होती है। जैसे सरोजनी का सीन है ना, सेम वही इस मार्केट का भी सीन है। तो अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, एंजॉय करिए ब्लॉग। देखो बाबा को हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की जो वीडियो है ना, वो नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज की जो वीडियो है वो व्लॉग है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक दो ही व्लॉग निकाले हैं जो मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, बट अब मैंने सोचा है कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करूँगी। सो आज का जो दिन है वो 16 फरवरी है और जो अभी का टाइम है वो 2 बज रहे हैं, और जो आज का दिन है वो है मंगल। और यहाँ मुरादाबाद में मंगल को मंगल का बाज़ार लगता है। और मैं आपको ये बता दूं कि मार्च के स्टार्टिंग में हमें एक ट्रिप पर जाना है, और ट्रिप से रिलेटेड हमें छोटी छोटी कुछ चीज़ें लेनी हैं। शॉपिंग तो करनी ही होती है ना, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो, वो सॉरी मार्केट में नहीं, ट्रिप पर जाते हैं हम किसी भी, तो हमें शॉपिंग तो करनी ही होती है। वो तो भाई ज़रूरी ही है, ज़रूरी ही है। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, आदत नहीं है ना व्लॉगिंग करने की। सो आज मैं ये जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, वो मेरा पहला व्लॉग है। आई नो ये मैं अभी शूट कर रही हूँ, बट ये जो जाएगा ना, आज नहीं जाएगा ये व्लॉग तब जाएगा जब मैं ट्रिप पर जाऊँगी। तो जो ट्रिप की सीरीज़ स्टार्ट होगी ना, तो उसका ये पहला व्लॉग होने वाला है। बट इसके बाद, इस व्लॉग के बाद मैं अपना डेली रूटीन का भी शूट करने वाली हूँ एक दो दिन बाद से। सो ये आज मेरा पहला व्लॉग है जो मैं डेली बेसिस पे करने वाली हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मैंने ये बताया, हमें ट्रिप पर जाना है तो उसकी हमें छोटी छोटी चीज़ें लेनी हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है ना, दिल्ली में एक सरोजनी मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या, सभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। बट जो अदर सिटीज़ है ना, उनमें ऐसा कोई मार्केट नहीं होता है ना। तो क्या होता है, जैसे मंगल का बाज़ार हो गया, बुध का बाज़ार हो गया, तो ये जो होता है ना, वो हर हर सिटी में लगते हैं। जैसे मंगल के दिन मंगल का बाज़ार लग गया, बुध वाले दिन बुध का बाज़ार लग गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं अगर आप छांटते हो तो। जैसे सरोजनी वाला वो है ना केस, सीन है ना, सेम वही सीन इन मार्केट के साथ होता है। सो हमें मार्केट तो जाना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना मंगल वाले दिन चला जाए और मंगल का मार्केट भी घूम लेंगे। अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो भी ले लेंगे लगे हाथ। सो हम नहा धो के तो बैठ चुके हैं, बट अभी तैयार नहीं हुए हैं। अभी 2 बज रहा है, 3 बजे तक हम तैयार वैयार होके घर से निकल जाएंगे। जैसा कि मार्केट में आप गाड़ी वगैरह तो ले जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी होती है, अगर वहाँ गाड़ी ले जाओ ना तो भाई वाट लग जाती है गाड़ी की। तो हम जाएंगे रिक्शा से। अगर आप भी मुरादाबाद से हो और मंगल का मार्केट जाते हो, घूमने जाते हो, वहाँ से चीज़ें लेने जाते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दिल्ली को छोड़ के आप जिस भी सिटी में रहते हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या आपकी सिटी में भी ऐसे ही मार्केट लगते हैं, और आप उन मार्केट को एंजॉय करने जाते हैं या फिर वहाँ से चीज़ें लेने जाते हैं या नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अभी मैं बैठी हूँ छत पर, नहा कर आई थी, बाल धोए थे, इसलिए मैं बाल सुखाने के लिए छत पर आई थी। सो अब चलते हैं नीचे और मिलते हैं तैयार होके। So, यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। देखा कितनी जल्दी रेडी हो गई ना। सो अभी मैं छत पे ही आ गई दोबारा से, क्योंकि जहाँ मैं बैठी थी, जहाँ मैं बैठकर तैयार होने गई थी, वहीं बैठकर मैं तैयार हो गई, ऐसा दिखाना था, प्रिटेंड करना था। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर हमारी आ चुकी है ये बिल्ली। ये भी जा रही है हमारे साथ, है ना। अरे चोटियाँ अंदर कर रखी है तुमने। अब चले नीचे। हाँ। और हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं? मम्मी और हमारे सब गाइस। सब गाइस जा रही है हमारे साथ, मतलब कि आप सब जा रहे हो हमारे साथ, ये बोल रही है ये। तो अब चलते हैं नीचे और दिखाते हैं हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। आओ हेलो, कौन? चले चलो। अब वो अलग है। अब हम बैठ चुके हैं ऑटो में। थैंक यू।
वाला ऑटो हम लोगों ने कर लिया था, बहुत ज़्यादा सुख रहा था। तो अब हम सेकंड ऑटो में बैठ चुके हैं। अब यहाँ से जाकर फिर हमें एक ऑटो और पकड़ना है। सो अब मिलते हैं थर्ड वाले ऑटो में। कहना चाह रही है कि पहले बुआ मुझे ला नहीं रही थी, लेकिन मुझे वीडियो में आना था इसलिए मैंने सिर्फ करी तो बुआ मुझे ले आई। तो अब हम थर्ड रिक्शा में बैठ चुके हैं और ये पीछे सारा बुद्ध बाजार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। पीछे इंपीरियल निकल चुका है, वही सारा बुद्ध बाजार है। अगर आप मुरादाबाद से हो तो आप पहचान जाओगे बुद्ध बाजार है। इधर वाला रास्ता कटरे की तरफ जाता है और इधर वाला जो रास्ता है वो टाउन हॉल की तरफ जाता है। तो गाइस बेसिकली मैं जिस मार्केट की बात कर रही थी यहाँ पे मंगल का बाजार, ये वही मंगल का बाजार है। फिलहाल तो यहाँ पे लगा ही रहता है बट आज कुछ ज्यादा ही है क्योंकि आज मंगल है। बाबा को देखो, बाबा को बाबा को देखो, बाबा को क्यूट लग रहे हो आप। ये बार बार हेलो बोलती रही। बड़े सही पर्दे मिल जाते हैं यहाँ पे, लिए नहीं है कभी लेकिन फिर भी लगते हैं। यही दुकान थी और हम लोग बचपन से आते हैं, मम्मी पापा सब लोग, मतलब मम्मी पापा पहले आते थे, मम्मी पापा मम्मी को लाते थे सामान वगैरह लाने, तो मम्मी भी इसी शॉप से लेती थी हमेशा से। और पहले यहाँ पे अंकल बैठते थे लेकिन अब उनकी वाइफ बैठती हैं और उनके बेटे तीनों शॉप को संभालते हैं। इनकी शॉप की जो हर चीज़ होती है ना, एक तो फ़िलहाल वो सही रेट पर मिल जाती है और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनकी जो शॉप की क्वालिटी है ना सामान की, वो इतनी बढ़िया रहती है ना कि
आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा यहाँ से सामान लेने में। अगर क्या आपको बताओ, ऐसा कोई सामान लेना होता है तो ऑनलाइन ना लेकर आप इनकी शॉप पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फिलहाल तो मैंने ज़्यादा इसमें व्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि भैया को थोड़ा डर बैठ गया था, पता नहीं यार ये क्यों व्लॉगिंग कर रही हैं या फिर कुछ, लेकिन फिर बाद में उनको समझाया तो फिर उन्होंने बोला चलो कोई नहीं कर लो, लेकिन फिर भी मैंने नहीं करा। बाद में वहाँ से शॉप से निकलने के बाद ही मैंने आगे की व्लॉगिंग स्टार्ट करी। बट कोई नहीं, स्टार्टिंग में सबको लगता है कि भाई ऐसे हमारी शॉप पर आकर क्यों व्लॉगिंग करी जा रही है या फिर क्यों, उनको तो पता नहीं ना कि मैं किस वजह से कर रही हूँ। बट कोई नहीं, बट मैंने आपको यही बताना था कि इस शॉप की हर चीज़ अच्छी होती है, रेट्स भी बहुत रिजनेबल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भैया कर ही देते हैं। वैसे तो ये शॉप मुरादाबाद में काफ़ी फेमस है, हर कोई इस शॉप को जानता है, लेकिन अगर आप नहीं जान वहाँ भैया भी पूछ रहे थे ये आप क्यों कर रही हैं, मैं पर्पस जान सकता हूँ इसका। अब जा रहे हैं मम्मी का पर्स लेने, बहुत पहले ज्यादा पूरा मार्केट घूमते हैं छानते हैं फिर बहुत चंट है हमारी लड़की। बताओ ऐसी। हेलो गाइस, मतलब मैं सुबह की भूखी हूँ, पता है मैं कुछ खाया भी नहीं है, प्यास भी लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अभी पूरे सुबह से बाजार में ही घूम रही हूँ, सब दुकानें दुकानें पूरे में पूरे पैर दर्द करने लगे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। वो आपको बाजार में मजा आया कि सारी शॉपिंग हो चुकी है और गड्ढा आ गया, शॉपिंग के बाद गड्ढा आ गया। भाई घर पे आ चुके हैं, हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है, एक दो चीज़ें रह गई थी क्योंकि भीड़ बहुत थी तो सब चीज़ें लेना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो अभी तो फ़िलहाल के लिए सारी शॉपिंग हो चुकी है, जो एक दो चीज़ें बची हैं वो आसपास से ही ले ली जाएंगी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मंगल का बाज़ार था ना, इस वजह से बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी,
सो इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मुरादाबाद में रहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मिलेंगे यार किसी दिन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है ना उसको भी ज़रूर हिट करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ या फिर ब्लॉग्स की जो नोटिफिकेशन है, जो जानकारी है, वो आपको सबसे पहले मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल योरसेल्फ।